हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B24 नॉलेज। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाला है, यदि आपके पास अंत्योदय कार्ड है यानी कि आपके पास लाल कार्ड है तो आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। अंत्योदय कार्ड से आयुष्मान कार्ड कैसे बनाएंगे इसके बारे में पूरा फुल प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अफसर पोर्टल पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। इस पेज पे आने के बाद आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। यहाँ पर आपको सारा स्कीम देखने को मिल जाएगा। आपको अंत्योदय कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए इंटीग्रेटेड स्टेट स्कीम पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सर्च आईडी पर क्लिक करना है। सर्च आईडी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट स्कीम पे क्लिक करना है। पहला वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, अंत्योदय अन्न योजना, यानी कि आपके पास यदि लाल कार्ड है तो आप आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंड वाला ऑप्शन है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपके पास लेबर कार्ड है तभी भी अपना आयुष्मान कार्ड आप बना सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन आपको चूज कर लेना है और यहाँ पर राशन कार्ड चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर राशन नंबर अपना टाइप कर देना है। चलिए मैं अपने राशन नंबर को टाइप कर देता हूँ। राशन नंबर टाइप करने के बाद आपको गेट डिटेल पे क्लिक करना है। गेट डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपके राशन कार्ड से जो भी डिटेल है आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें कितने सारे मेंबर हैं, आप सारे मेंबर का आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। किसी एक का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको बी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नाम टाइप कर देंगे। ये मैं नाम को टाइप कर लेता हूँ। वहाँ पे नाम टाइप करने के बाद अदर नेम यहाँ पे टाइप करना है। फिर उसके बाद से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर DOB टाइप कर देना है, मीन्स डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। बर्थ टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड टाइप कर देना है। आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है अपना। आपको यहाँ पे अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ग्राम सभा सेलेक्ट करना है, अपना विलेज सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपको पूरा एड्रेस टाइप कर देना है यहाँ पर। आधार नंबर ऑलरेडी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आधार का डिटेल वेरीफाई करने के लिए आपको OTP के माध्यम से या फिंगर के माध्यम से या IRS के माध्यम से या फेस के माध्यम से अपने आधार का डिटेल आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए मैं OTP के द्वारा अपने आधार कार्ड का डिटेल वेरीफाई करता हूँ। तो OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर गेट OTP पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंक का OTP गया होगा, आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद इसको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अगेन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपकी आधार कार्ड से जो भी डिटेल होगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको अपनी एक फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अपने फ़ोटो को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसको अपलोड कर लेंगे और यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के और सबमिट पे क्लिक कर लेना है। चलिए मैं कैप्चा डाल के और सबमिट पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद बेनिफिशरी हैज़ बीन सक्सेसफुल आयुष्मान कार्ड, आपको एक रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। आपको 2 से 4 दिन के अंदर आपका आयुष्मान कार्ड अप्रूवल कर दिया जाएगा। आप अपने आयुष्मान कार्ड को इसी पोर्टल पे आके अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको इसी पोर्टल पर आना है। डाउनलोड आयुष्मान कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। डाउनलोड आयुष्मान कार्ड पर क्लिक करने के बाद
आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपना आधार नंबर टाइप कर देंगे और OTP के माध्यम से या फिंगर के माध्यम से अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।